ऐसे कर देना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी टाइम से था कि मेन चैनल पे आप सब लोगों से मुलाकात नहीं हो रही थी, कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। एंड रेगुलर कमेंट्स और तो आ ही रहे थे कि सर जो है कभी कभार लाइव आया करें, जिससे आपसे हम कुछ लाइव बात कर सकें और कुछ अपने पर्सनल क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकें। तो आज मैं भी बैठा था, मुझे लगा चलिए क्यों नहीं, मैं थोड़ी देर का मेरे पास टाइम था तो आप सब लोगों से कनेक्ट होता हूँ। इस सेशन के अंदर जो है, आप अगर कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हैं, कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन है या कोई क्योरी है होम्योपैथी से रिलेटेड, आपकी कोई डिजीज से रिलेटेड, तो उसमें एक बेसिक आइडिया के लिए अगर अपने को लगे तो कुछ आप मुझसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी उसके लिए, मैं आपको कुछ मेडिसिन के बारे में अगर कुछ जानना चाहें या कोई डिजीज से रिलेटेड, तो मेरे एक्सपीरियंस से बेस्ट पॉसिबल जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। फ्रेंड्स, अभी हमने लाइव सेशन में एक और स्टार्ट किया है कि अपना जो चैनल है यूट्यूब फैमिली यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर, इस चैनल में जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, एवरी ट्यूसडे आप जानते हैं इस पर एक वीडियो आता है एंड एवरी सैटरडे एक वीडियो आता है, तो ट्यूसडे को जो वीडियो अपलोड होगा उसके कमेंट सेक्शन में आप लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम, मेरी कोशिश रहेगी कि जैसा मैंने लाइव भी आके बोला और कम्युनिटी के अंदर भी एक मैसेज डाला था कि नेक्स्ट डे हमारा जो दूसरा चैनल है डॉक्टर रावत चौधरी नाम में, जिसमें कि हम लोग जनरल हेल्थ टॉपिक्स पे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है हम लोग जाके और वहाँ पे उस जो यूट्यूब वीडियो जो हमने ट्यूसडे को अपलोड किया उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम नेक्स्ट डे वहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से जो सैटरडे को हमारा वीडियो अपलोड होगा उसको हम लोग नेक्स्ट डे डॉक्टर रावत चौधरी में आपके कमेंट्स को वहाँ लेंगे। अभी काफ़ी लोग यहाँ कनेक्टेड हो गए तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस को लेना चाहता हूँ। नितिन जी ने हाय गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग नितिन जी, गुड फार्मा है सर, चिकन का दवा सर, चिकन से यहाँ क्या मतलब है? आई थिंक आप चिकन पॉक्स की बात करना चाह रहे हैं। अब चिकन पॉक्स में अपने को क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उस चीज़ को देख लेना थोड़ा सा ज़रूरी रहेगा, और अभी चिकन पॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को भी मिल रहा है, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक वेरियोलिनम है, उस मेडिसिन को ज़रूर यूज़ कर लेना चाहिए, एज ए प्रिवेंटिव भी ये मेडिसिन वर्क करती है कि घर में मान लीजिए किसी एक मेंबर को चिकन पॉक्स है तो दूसरों को भी हो सकता है, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा फैलने को मिलता है, तो ऐसे में वेरियोलिनम 200 एक मेडिसिन आएगी उसकी, बाकी लोग जो है एक डोज ज़रूर ले लें, और जिनको चिकन पॉक्स है उनको भी आप एक डोज वेरियोलिनम 200 की दे दें, और उसके बाद में रस्टोक्स उनको ज़रूर दें, और रस्टोक्स को 30 पोटेंसी में सुबह शाम आप जरूर देते रहें, उसके बाद जैसे जैसे कोई सिम्टम्स वगैरह आएंगे तो उसको चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, लालचंद सोरेन जी का एडी दर्द का मेडिसिन बताएं प्लीज़ सर। देखिए, एडी दर्द की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कई बार क्या होता है कि वहाँ पे जो आपकी हील बोन होती है, कहते हैं हड्डी बढ़ जाना, ये केसेस देखने को मिलता है उसके कारण होता है, तो ऐसे के अंदर आपके लिए हेक्ला लावा एक अच्छी मेडिसिन है। हेक्ला लावा को 3x पोटेंसी में दो दो गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। एरेनिया डाइडेमा एक मेडिसिन आएगी, और एरेनिया डाइडेमा को 30 पोटेंसी में आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। ये दो मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा मैंने देखा काम करती है, और इसके अंदर आप हील पेन करके अपना एक वीडियो भी बना हुआ है इसी चैनल पर यश होम्योपैथिक सेंटर में, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, और वहाँ डिटेल में हमने इस टॉपिक पर बात की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फैजल समीर जी का, सर मेरा 11 mm स्टोन है, यूरिन में ब्लड भी आता है। देखिए सर, अगर 11 mm का स्टोन है तो ये स्टोन है, ब्लड आ रहा है, तो मुझे लग रहा है हो सकता है ये आपका यूरेटर के अंदर शायद स्टोन आके अटक गया हो, तो उसके लिए हालांकि प्रॉपर थोड़ा रिपोर्ट्स वगैरह देख लेना ठीक रहता है, और अगर उसके कारण कई बार हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा होता है तो उसमें जो है देखना होता है कि आपका RFT जरूर देखा जाना चाहिए कि इसके कारण आपके क्रिएटिनिन लेवल वगैरह तो नहीं बढ़ गए, और यूरिन आ रहा है उसके साथ अगर ब्लड भी आ रहा है तो हालांकि कई बार इमरजेंसी में सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है, तो एग्जैक्टली पूरा डिटेल में आपके केस को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अदरवाइज जो है यूरेटर के अंदर है तो ऐसे के अंदर R27 जो है काफ़ी अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है, 15-15 बूंद दिन में 3 बार। एक हाइड्रेंजिया काफ़ी अच्छी मेडिसिन आपके लिए साबित हो सकती है, उसकी भी आप 10-15 ड्रॉप्स जो है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर लीजिए दिन में 3 बार, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में, साथ में आप जो है लिक्विड इंटेक ज़्यादा लें, कोशिश करें 4 से 5 लीटर पानी लेने का, उसके अंदर जो है आप छाछ काफ़ी लें, पानी काफ़ी ज़्यादा लें, फिर भी सर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो एक बार नज़दीक में डॉक्टर साहब से मिलके और आपको जो है डिस्कस करने की ज़रूरत है कि सिम्टम्स और क्या आ रहे हैं।
लालचंद जी का हो गया, और फिर आता है शिवलाल जी का। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग शिवलाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका महेश चारण जी का, क्या माइग्रेन कंप्लीट ठीक हो सकता है 30 साल के युवक के लिए, क्या दवाई है माइग्रेन की? महेश जी, माइग्रेन में होम्योपैथी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, और माइग्रेन पे मेरा एक डिटेल में वीडियो भी है, और मैंने देखा कि माइग्रेन में क्लिनिक पे ऐसे केसेज आए 20 साल से माइग्रेन, 30 साल से माइग्रेन, 15 साल से माइग्रेन, तो माइग्रेन में होम्योपैथी में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और माइग्रेन में एक तो ये देखा कि माइग्रेन के कारण को समझ लेना जरूरी है। हालांकि मैंने बताया माइग्रेन का वीडियो को देखिएगा, काफी डिटेल में वीडियो है, बट यहाँ शॉर्ट में बात करें, माइग्रेन अक्सर देखने को मिला कि जिनमें एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवरथिंकिंग है, ऐसे लोगों में माइग्रेन ज्यादा देखने को मिलता है। सेकंडली, माइग्रेन वहां ज्यादा देखने को मिलता है जहां आपकी ईटिंग हैबिट्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हैं, आप लंच मिस कर रहे हैं, डिनर मिस कर रहे हैं, या आप बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, जहां एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन वगैरह ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है आपको साथ में, इनके कारण माइग्रेन होता है। रूटीन में हम लोग मेडिसिन की बात करें तो स्पाइजियला जो इसके अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको आप 30 पोटेंसी में सुबह शाम ले सकते हैं। थोड़ा गैस्ट्रिक इश्यूज वगैरह है तो ऐसे में आयरिस वर जो है उसकी जो है सुबह शाम आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। और एक चियोनेंथस आता है मदर टिंचर, उसका 10-10 बूंद आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और अगर पेन बहुत ज्यादा है और थोड़ा क्रॉनिक केस है तो ऐसे के अंदर हाई पोटेंसी के अंदर स्पाइजेला 10 mg को लिया जा सकता है। ये कुछ मेडिसन्स है, हालांकि एज पर सिम्टम्स भी काफी सारी मेडिसन्स है जो आप मेरे को वीडियो में देखने को मिलेगी। एंड ओवरऑल हम कह सकते हैं कि माइग्रेन में होम्योपैथी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, एक क्वेश्चन है नीरज सिंह जी का कि सर दारू छोड़ने की कोई दवा बताइए ना। देखिए, दारू छोड़ने के लिए मतलब एल्कोहल डी एडिक्शन पे हम बात करें तो हमारा ऑलरेडी एक वीडियो भी है इसके ऊपर, और हमने बात की इसके अंदर रूटीन के अंदर कि अगर पेशेंट जो है अपनी मतलब इच्छा है, उसका विल है, खुद वो मेंटली प्रिपेयर है कि मुझे एल्कोहल छोड़ना है, तो उसके लिए हम लोग जो है काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन उनके लिए आप दे सकते हैं। और कई बार ये होता है कि पेशेंट जो है प्रिपेयर नहीं है और घर वाले उनको दवाई देना चाहते हैं, तो ऐसे के अंदर तो नेचुरली सबसे अच्छी मेडिसिन उनके लिए सल्फर ही रहेगा। सल्फर 200 को आप मॉर्निंग आवर में जो है उनको दे सकते हैं, और उनको बिना बताए अगर यूज़ करवाना है तो जो पानी उनको सुबह पिलाया जाता है उसमें 2-3 बूंद पहले डाल दीजिए, ग्लास में पहले 2-3 बूंद डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के फिर वापस पानी उसमें ग्लास में डाल दीजिए, तो कोई स्मेल नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। मॉर्निंग आवर में सुबह सुबह सल्फर 200 एंड नाइट आवर के अंदर नक्स 200 जो है ऐसे ही पानी में दिया जा सकता है। नक्स को थोड़ा हाई पोटेंसी में 1 mg में एवरी 10-15 डेज भी बीच में आप यूज कर सकते हैं। और अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अभिषेक आनंद जी लिखते हैं लाइपोमा के लिए। देखिए, लाइपोमा के लिए एक तो ये देख लें कि आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी देख लें, कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है, अगर ऐसा है तो उसमें आप देखें। सेकेंडली, आप ये देखें कि आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा हो, बॉडी के अंदर वेट नहीं बढ़े, अगर आपका मतलब बॉडी फैट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका लाइपोमा की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो आपका बॉडी फैट नहीं बढ़े, वेट को कम करने की कोशिश करें, वेट बढ़े नहीं, और उसके लिए जरूरी है नेचुरली थोड़ा डाइट पे काम करें। ऑयली फूड है, फैटी फूड है, तेलीय जो पदार्थ है इनको आप नहीं लें। डेली आप 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करें। कुछ मेडिसिन की बात करें तो फाइटोला का एक अच्छी मेडिसिन साबित होगी, ऐसे के अंदर वेट रिडक्शन को मदद करेगी। उसी तरह से लिपिड प्रोफाइल कर लें, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा आ रहा है तो कोलेस्टेरिनम 3x है, आप उसको ऐड करें। ऐसे के अंदर लेपिस एल्बस 30 पोटेंसी में, ये भी काफी अच्छी मेडिसिन है, उसको आप सुबह शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कपिल शर्मा जी की, सर सिजोफ्रेनिया की बेस्ट मेडिसिन कौन सी है और आपसे ऑनलाइन कंसल्ट कैसे कर सकते हैं? कपिल जी, सिजोफ्रेनिया एक बहुत बड़ा टॉपिक आ गया सर। सिजोफ्रेनिया के अंदर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल जो पेशेंट है, या आप समझें जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको एग्जैक्टली क्या हिस्ट्री रही है, किस कारण ऐसा हो रहा है, अभी उनमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हम मेडिसिन लेंगे उनके लिए बेस्ट वर्क करेगी। और सिजोफ्रेनिया पे मेरा वीडियो भी बना हुआ है सर रूटीन में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए हमारे यहाँ आप जो वीडियो देखेंगे उसमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करते हैं हम इन डेप डिस्कस करके, तो उसके लिए जो मोबाइल नंबर है 9828541102, उस पर आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है दीपक कुमार राम जी का गैस के लिए। दीपक जी, अगर गैस ज़्यादा बनती है तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी दिक्कत है तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट पे काम करना होता है।
अगर आपको गैस ज्यादा बन रही है तो देखिए कि आपके खाने पीने में कहाँ गड़बड़ हो रही है, कि आप चाय ज्यादा ले रहे हैं, कॉफी ज्यादा ले रहे हैं, लड़कों में कई बार जो है गुटखा मसाला वगैरह एक्सेस लेना हो सकता है, आप नॉनवेज ज्यादा खा रहे हैं, या बाहर का खाना ज्यादा हो रहा है, समोसा मिर्ची वड़ा कचौरी इस तरह के फ्राइड आइटम ज्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं, कई बार टाइम पे खाना नहीं खा रहे, तो पहले सबसे पहले आपको ईटिंग हैबिट्स को ठीक करना होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप खाने पीने की हैबिट्स ठीक नहीं करेंगे और सिर्फ मेडिसिन लेते रहेंगे तो टाइमिंग आपको रिलीफ मिल जाएगा लेकिन बीमारी आपका हमेशा के लिए ठीक नहीं होगा। तो अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक कीजिए, आपका जो है देखें कि फाइबर बहुत ज्यादा हो, यानी हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, फ्रूट्स आप ज्यादा लें, जूसेज आप ज्यादा लें, पानी आप खूब सारा पिए, तो इस तरह से फाइबर रिच और हेल्दी डाइट लें। साथ में कुछ मेडिसिन आती है जिसकी अगर हम बात करें तो गैस का अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने देखा एक सल्फर 200 की डोज से आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, और 200 सल्फर आप मॉर्निंग आवर में एक डोज ले सकते हैं। उसके बाद में आयरिस वर एक काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, इसको 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है। फिर मान लीजिए कार्बोवेज काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, 30 पोटेंसी में सुबह शाम उसको भी दिया जा सकता है। पूरे पेट के अंदर अगर आपको लग रहा है कि पूरे पेट में गैस भरी हुई रहती है तो ऐसे में चाइना 30 लिया जा सकता है। गैस अगर नीचे से ज़्यादा पास हो रही है तो ऐसे के अंदर आप जो है लाइकोपोडियम है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो एज पर सिम्टम्स इसको यूज किया जा सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी डाइट पर आप काम कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसके बावजूद भी नहीं होता है तो फिर कई बार एग्जैक्टली और डायग्नोसिस करने की भी जरूरत होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजू सिंह जी पूछते हैं, सर मुझे पहले ये आदत थी और अब मुझे इसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, इरेक्शन कम होता है, इरेक्शन बनाने में बहुत तकलीफ आती है, मेरी उम्र 23 इयर्स। राजू सिंह जी, ये नेचुरली आपने लिखा कि बहुत ज़्यादा आदत थी, तो देखिए बहुत ज़्यादा हैबिट होने से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मैं हमेशा कहता हूँ। जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ है तो वो हर चीज़ नुकसानदायक है, और ऐसे के अंदर मेडिसिन आती है जो कुछ इसके साइड इफेक्ट्स को कवर करने में मदद करती है। जैसे मैंने बताया स्टेफिसग्रिया काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, उसको 30 पोटेंसी में यूज़ किया जा सकता है, जो उसके साइड इफेक्ट्स को आपको ठीक करने में मदद कर सकती है। हेल्दी डाइट लीजिए, दिन में एक बार फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, माइंड को इन सारा चीज़ों से डाइवर्ट कीजिए, दिमाग को हर समय इन चीज़ों पर नहीं रखें, धीरे धीरे बॉडी वापस नेचुरल में हील करती है। योग प्राणायाम वगैरह करें, हेल्दी डाइट लें, और इस मेडिसिन को कुछ समय तक यूज करने से आपको फायदा जरूर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सर प्लीज टॉक ऑन पैनिक अटैक एंड एंजाइटी, वासु जी का क्वेश्चन है। वासु जी, अगर हम पैनिक अटैक और एंजाइटी की बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा ही होता है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, पैनिक अटैक है। तो ऐसे लोग जो इस तरह से परेशान रहते हैं तो उनके साथ सबसे पहली बात तो उनके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ज़रूरत होती है कि उनके साथ टाइम बिताएं। उनको ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ जब आप टाइम बिताते हो, उनको टाइम देते हो, तो काफ़ी अच्छी तरह से उनको समझा जा सकता है और नेचुरली उनको हेल्प मिलती है। और इसके अंदर मेडिसन्स है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो ऐसे के अंदर जो है हमारी कालीफोस आप दे सकते हैं, 6x, 4-4 गोली दिन में 3 बार, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसी तरह से आप उसकी जगह 5-4 भी यूज कर सकते हैं। अवीना सटाइवा ऐसे के अंदर काफ़ी अच्छी मेडिसन है, उसकी 10 ड्रॉप्स जो मदर टिंचर है उसको सुबह शाम यूज किया जा सकता है। पैसी फ्लोरा जो मदर टिंचर है उसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन जो आए हुए हैं, हैंड कांपने का इलाज बताएं, IAF ठाकुर साहब। IAF ठाकुर साहब का क्वेश्चन है कि हैंड कंपन की, कि उनका हम कहना चाह रहे हैं कि हाथों में कंपन है उसके लिए मेडिसिन बताएं। तो देखिए हाथों में कंपन है तो ऐसा अगर रूटीन में बात करें कि ये तो फैमिली हिस्ट्री में देखने को मिलता है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में रहा है, परिवार में काफ़ी लोगों का ऐसा रहा है तो उन लोगों में भी देखने को मिलता है। सेकेंडली आप ऐसे के अंदर थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल में भी चेंजेज करें, ये देखें आपकी नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में तो नहीं रहते। हाथ कांपने की या इस तरह की जो न्यूरोलॉजिकल चीज़ें हैं, वो लोग जो कि एंजाइटी में ज़्यादा है, स्ट्रेस में ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग में, या आपको पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा काम पड़ा है जहाँ कोई बिजनेस कोई लॉसेज हो गए, या पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है कि एंजाइटी स्टेज से काम पड़ा है, कोई मेंटल शॉक लग गया, सदमा लग गया, तो ऐसे लोगों के अंदर न्यूरोलॉजिकली कई बार ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ऐसे के अंदर अगर हम मेडिसिन की बात करें तो आपके लिए जैल्सीमियम काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, क्यूप्रम मेट जो है, क्यूप्रम मेट को 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप इसके अंदर 5-4 है उसको भी जो है 4-4 टेबलेट दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। सेकेंडली अवीना सटाइवा जो मदर टिंचर है, वो नर्व्स की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है।
एक क्वेश्चन है दूला मानी जी का, और वो लिखते हैं कि वर्टिगो से काफी परेशान हूँ, इसका दवा बताएं। देखिए, अगर वर्टिगो यानी अगर आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम है तो चक्कर आने के बहुत से कारण होते हैं, उसको पहले समझ लेना जरूरी होता है। ये तो उसको एग्जैक्टली किस कारण से ऐसा हो रहा है उसके बाद आपको ट्रीटमेंट की लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चक्कर हो सकता है कि आपको लो ब्लड प्रेशर रहता है उसके कारण भी आ सकता है, आपकी बॉडी के अंदर कोई दूसरा मतलब इशू तो नहीं है जिसके कारण चक्कर आ रहा है। कई बार लंबे समय तक अगर लॉन्ग स्टैंडिंग आपको चक्कर आ रहे हैं तो प्रॉपरली आपको अपने डॉक्टर से मिलना होता है, कई बार ऐसे में MRI तक भी करवाई जाती है। अगर आपको कान से रिलेटेड कोई इश्यूज है उसके कारण भी आपको चक्कर आ सकता है, चक्कर भी जैसे कई बार लोग बैठे रहते हैं जैसे ही खड़े होते हैं उसमें चक्कर आता है, तो उसका एग्जैक्टली किस तरह का पूरा सिम्टम्स, क्या हिस्ट्री है, क्या कारण है, उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट वर्क करेगा। बट रूटीन में बात करें ऐसे के अंदर, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में जो मेडिसिन की बात कर रहे हैं वो एक जनरल बात कर रहे हैं, तो फोस्फोरस ऐसे में काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है रूटीन के चक्कर के अंदर 30 पोटेंसी में सुबह शाम। सेकंडली कोनियम मैक जो है वो भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जिसको यूज किया जा सकता है 30 पोटेंसी में सुबह शाम। बाकी मैं एडवाइस करूंगा कि प्रॉपरली एक बार उस कारण को जरूर रूल आउट किया जाना चाहिए कि आपको चक्कर क्यों आ रहा है। एक क्वेश्चन आ रहा है एक ही एनिमेशन साहब का, स्पॉन्डिन ड्रॉप। मैं नहीं समझ पाया, आपने सिर्फ स्पॉन्डिन ड्रॉप लिखा है तो उसमें आप क्या चाह रहे हैं एनिमेशन जी, क्योंकि स्पॉन्डिन ड्रॉप है और काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, काफ़ी यूज़ की जाती है उन लोगों के लिए। अगर आप मेडिसिन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो जिनको कि यहाँ नेक में पीछे स्टिफनेस रहता है, ये दर्द आपके हाथ में चल के जाता है, शोल्डर में आ गया, नीचे हाथ में आ गया, एक तरह से आप कह सकते हो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको कहते हैं, इस तरह के अंदर जो है ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है स्पॉन्डिन ड्रॉप। और बाकी इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं तो मैं ज़्यादा समझ नहीं पाया, मेडिसिन का एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है। एक क्वेश्चन जो है ऐसे के अंदर एक आ रहा है, वो आ रहा है कि फेस पर जो है आपको बेल्स पाल्सी की प्रॉब्लम आ रही है, और वो शायद लेफ्ट साइड के अंदर जो है उसके अंदर कह रहे हैं कि बेल्स पाल्सी आ रही है। देखिए, बेल्स पाल्सी जो है इसके अंदर काफ़ी रहता है, और बेल्स पाल्सी के अंदर मेनली यही है कि यूजुअली आपको कोई एक्सपोजर हो गया, ठंडी हवा से एक्सपोजर हो गया, आपने कहीं ट्रैवल किया, बस में बैठ के ट्रैवल किया, बाइक पे किया, या और कहीं आप अचानक जो ठंडी हवा के सामने बैठते हो तो उसके कारण आपको बेल्स पाल्सी का अटैक आ सकता है। और इसमें हम लोग अगर मेडिसिन की बात करें तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, और इसके अंदर अमोनियम फोस जो है ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अमोनियम फोस को 30 पोटेंसी में जो है दिन में 2 से 3 बार यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो बेल्स पाल्सी में काफ़ी अच्छी है वो कैडमियम सल्फ है, कैडमियम सल्फ को भी 30 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार यूज़ किया जा सकता है। और ऐसे के अंदर कॉस्टिकम को थोड़ा हाई पोटेंसी में यूज़ कर लें, जैसे 1 mg पोटेंसी है तो 1 mg पोटेंसी को 15 डेज में एक बार यूज़ किया जा सकता है। और बाकी एज पर नीड, एज पर सिम्टम्स जो है काफ़ी सारी मेडिसिन आती है। फ्रेंड्स, आई थिंक इतना ही हम लोग बात कर पाएंगे, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं क्योंकि आगे क्लिनिक का मेरा OPD का टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं नीरज जी का कि सर पाइल्स का मेडिसिन बताएं। देखिए, पाइल्स की मेडिसिन की बात करें तो नीरज जी, पाइल्स के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, आप मेरे अपने यश होम्योपैथी सेंटर पर आप देखेंगे, बहुत सारे हमने बात की है। और पाइल्स का मेरे क्लिनिक पर भी जो पेशेंट आते हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि पाइल्स का 50% ऑफ ट्रीटमेंट इज योर डाइट, 50% ट्रीटमेंट जो है पाइल्स का मान के चलिए आपकी डाइट है। अगर आपने डाइट को ठीक कर लिया तो आपने 50% ट्रीटमेंट आपने अपने घर पे ही कर लिया। अदरवाइज आप देखेंगे बहुत से लोग आते हैं क्लिनिक में भी, आपने भी देखा होगा आसपास में कि लोग पाइल्स का जो है ऑपरेशन भी करवाते सॉरी उसके बावजूद भी पाइल्स वापस हो जाते हैं, क्योंकि जो बेसिक रूट कॉज है डाइट अच्छी नहीं होना और कॉन्स्टिपेशन होना उसको ठीक नहीं करते। तो पाइल्स के अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले अपनी डाइट पे काम करें, आपकी दिन में एक बार जो है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनमें से आइदर या तो ब्रेकफास्ट या आप सब सच्चा है ब्रेकफास्ट में आप सिर्फ फ्रूट्स ही लें, मतलब आपको डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फल लेने हैं, फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, हरी सब्जियाँ खूब लेनी है, जूसेस खूब लेने हैं, आप दही छाछ है ये खूब सारा लें, और कोशिश करेंगे जैसे मैंने बताया ब्रेकफास्ट में आप भरपेट जो है फ्रूट्स ही लें, सीजन के जो अच्छे फ्रूट्स हैं वो लें, लेकिन फिर भी मैं अक्सर कहता हूँ कि आम को थोड़ा अवॉइड कर लेना बेटर रहता है। उसके अलावा आप फ्रूट्स लें, पपीता आपके लिए इसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद में जो आपका लंच और डिनर जो आप ले रहे हो उसमें आप कोशिश करेंगे जब भी आप खाना खाने बैठे तो ग्रीन सलाद जरूर लें, आप जो है सबसे पहले सलाद लें और उसके बाद जो है आप अपना चपाती लें, चपाती जो है उसके अंदर भी आप जो सब्जी साथ में लेंगे वो देखें कि कम से कम तेल में हो, कम से कम उसमें मिर्च मसाले जो स्पाइसेस मिनिमम हो, सूखी सब्जी नहीं लें, हरी सब्जी लें, और ये कोशिश करेंगे दिन में जो एक बार जो है आपकी सब्जी थोड़ा पत्तेदार सब्जी हो, जैसे पालक है या मूली पत्ता, इस तरह की जो है लीफी वेजिटेबल्स को लेने की कोशिश करें।
करें। और दूसरी सब्जी भी जो है आप उसमें लौकी ले सकते हैं, तोरई ले सकते हैं, और जो भी आप जब भी लेंगे तो उसके साथ में सलाद जरूर खाएं। तो और इस तरह से साथ में होम्योपैथी के अगर मेडिसिन की बात करें तो डिटेल में मेरा जो है इसके अंदर वीडियो बना, आप देख सकते हैं। रूटीन में हम बात करें तो जैसे मॉर्निंग में सल्फर 200 की एक डोज ली जा सकती है, नाइट में नक्स वोमिका आप ले सकते हैं, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे के अंदर आप हेमामेलिस को ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा पेन डिस्कम्फर्ट वगैरह तो ऐसे के अंदर रेटेनिया एक काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, इसके अंदर नाइट्रिक एसिड है 30 पोटेंसी में, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। और डिटेल में मेरा काफ़ी अच्छे वीडियो बने हुए पाइल्स में, आप उसको जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। और अब हम बात करें तो ये सुमन पर्सनल जी ने एक मैसेज भेजा है। सुमन जी एज 33, वेट 67, कोलेस्ट्रोल 205, ट्राइग्लिसराइड 290, स्लीप बहुत जाता है, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, जॉब कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वेस्ट बंगाल से, हम आपका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं विद मेडिसिन। सुमन जी, इसके लिए नेचुरली आप ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं विद मेडिसिन, तो सर बेस्ट रहेगा कि दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो क्लिनिक आ जाएं, तो नेचुरली आप वेस्ट बंगाल से अपने लिए आना पॉसिबल नहीं होगा, तो व्हाट वी कैन डू कि आप एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जो नंबर सारे मोबाइल्स मेरे वीडियोस में डिस्प्लेड है, मैं अगर यहाँ बोलूँ तो 9828541102, इस पर आप एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, एंड वी कैन हैव ए इन डेप्थ डिस्कशन पूरा आपके केस को, और उसके बारे में जो हम लोग वापस बात कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अब टाइम हो रहा है मेरी इवनिंग ओपीडी का, तो आई हैव टू से कि आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो नेचुरली सबका रिप्लाई देना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, रैंडम बीच में जो जो नज़रों के सामने आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने लेने की कोशिश की है, और फ्रेंकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबसे बात करके, और मेरी कोशिश रहती है हमेशा की कोशिश करूँ आप लोगों से मैक्सिमम बात करूँ, बट क्लिनिक का शेड्यूल ऐसा रहता है कि कोई ऐसा फिक्स रूटीन में बना नहीं पाता हूँ। तो अभी मैंने एक कोशिश की कि जो मैं वीडियोस डालता हूँ अपने चैनल पे, जैसे एवरी ट्यूसडे एक वीडियो आ रहा है और एक एवरी सैटरडे आ रहा है, तो नेक्स्ट डे अपना जो दूसरे वाला चैनल है डॉक्टर रावत चौधरी, उस पे जो लेटेस्ट वीडियो के अंदर आप उस, मान लीजिए जैसे मैंने शुरू में बताया ट्यूसडे वाले वीडियो पे आप जो कमेंट्स करेंगे, तो उन सबको हम लोग जो वेडनेसडे को डॉक्टर रावत चौधरी पे लाइव आके उसमें डिटेल में उनको मैं क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा कि कोई क्वेश्चन वहाँ मिस नहीं हो। इसी तरह से सैटरडे को जो हमारा इस चैनल पे वीडियो आएगा उसको हम संडे को नेक्स्ट डे उस चैनल पे लेने की कोशिश करेंगे, और बीच में वीक में मैं और कोशिश करूंगा कि जब भी होगा तो इस चैनल पे भी बीच में आके आप लोगों से कनेक्ट हो सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट आप लोगों से, रियली मुझे इतने लोग आके कनेक्ट हुए, आप लोगों का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर सकूं, बट टाइम लिमिट आ गया है, इवनिंग ओपीडी का टाइम शुरू हो गया है, तो मुझे जो यहाँ वाले पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा अटेंड करना पड़ेगा। टिल दैट थैंक यू, बाय बाय।